नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो टिड्डियों का आतंक कब होगा खत्म, इसमें आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टिड्डियों का आतंक देश में एक बार फिर से बढ़ गया है। 27 साल का सबसे बड़ा अटैक है टिड्डियों का, ये इससे कितना नुकसान हुआ है और आगे कितना नुकसान होने की आशंका है और इसके आतंक को कैसे रोका जा सकता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे हम समझेंगे अलग अलग डिटेल। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चूंकि टिड्डियों का आतंक धीरे धीरे कई राज्यों में फैला है, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जहां पर टिड्डियों का बड़ा आतंक देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उसमें कितनी कामयाबी मिली है, इसको लेकर के हमने बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। टिड्डी दल रात में जो है शाम होते से ही एक कांटीले पेड़ों के ऊपर बैठता है और सुबह 4 बजे से हमारा दल फायर गाड़ियां लेकर इनके ऊपर दवाई छिड़काव किया, जिससे 60-70% टिड्डियों को हमने मार गिराया। और उसके बाद किसानों ने थाली बजाकर, बाजे बजाकर, आवाज करके और उनका किसानों ने भी चुनौती का सामना किया और इस प्रकार मध्य प्रदेश में हमने नहीं के बराबर नुकसान होने दिया और टिड्डी दल का सफाया करने में सफलता प्राप्त की है। ओके, तो एमपी सरकार का ये दावा है कि 60-70% टिड्डी को खत्म करने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन बाकी राज्यों में चिंता है और केंद्र ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है और अब तो ये रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये कितना बड़ा खतरा है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना हैं। हमारे साथ हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया के MD राजेश अग्रवाल साहब और साथ ही हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ पुखराज चोपड़ा हैं, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि टिड्डियों का आतंक किस तरह से फैलता है, किस तरह से बढ़ता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल विजय सरदाना जी आपसे होगा, चूंकि आप लगातार खेती किसानी के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, सरकार की पॉलिसी में भी आप इंटरवीन करते हैं, कई बार आप महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, केंद्र ने इसको संज्ञान में लिया है और 16 राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है। क्या क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निपटना बहुत आसान नहीं होगा? आपका अपना अनुभव टिड्डियों के आतंक को लेकर क्या कहता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। बचपन में बीकानेर में एक लोकस्ट कंट्रोल ऑफिस हुआ करता था, लोकस्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफिस, एक फील्ड ऑफिसर्स फॉर्म होते थे। इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में एक अकेला ऐसा कीड़ा है जिसके लिए आपने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ, तो आप इससे इसका खतरा कितना हो सकता है आप इसे अनुमान लगा सकते। अब आपका जो महत्वपूर्ण सवाल ये है वो इस बात पे है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, ये जो जहां बैठता है वहां पूरी धरती को या जो क्रॉप है उसको खत्म करता है। इसका मतलब वहां पे अगर फूड क्रॉप है तो वहां से जितना प्रोडक्शन आना चाहिए वो खत्म हुआ, वहां जितनी किसानों को इनकम मिलनी चाहिए थी वो खत्म हुई। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि ये लिविंग थिंग है। अगर आपने, जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री साहब कह रहे थे कि हमने 60% को खत्म कर दिया, 40% अगर जिंदा है तो वो भी अंडे और देंगे। ये रीजनरेटिव प्रोसेस है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो पहली बात, फूड सिक्योरिटी थ्रेट है, फार्मर्स की इनकम का थ्रेट है और रीजनरेशन का थ्रेट हमेशा रहता है, क्योंकि ये टिड्डियां अंडे देती हैं, वो अंडे फिर बच्चे बनते हैं, बड़े होते हैं और फिर आतंक मचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें बहुत गंभीरता से लेना है। चिंता की बात क्या है, हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो हमारे लिए ये नई चुनौती है, 27 साल बाद आई है, हमें इसका आभास नहीं था। जैसे कोरोना का नहीं पता था, वैसे टिड्डियों का हमें नहीं पता कि इसका कैसे आगे स्प्रेड होगा, कितने रेजिस्टेंट होंगे, क्या होंगे। हमने जो तरीके अपनाए थे कंट्रोल के, जो पेस्टिसाइड्स हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए करते थे, आज तक देखिए यह मिथ बहुत सारे सामने आ रहे हैं। आज हम उन्हीं पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ रही है जिनको आज तक हम बदनाम करते रहे या ये कहते रहे इनकी जरूरत नहीं है। और अभी 7 दिन पहले आपने वो लिस्ट जारी करी है, उसमें वो पेस्टिसाइड है जो इन टिड्डियों के खिलाफ बहुत इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो चिंता की बात यह है कि हम एक तो जो महामारी और जो थ्रेट हमारे सामने आ रहा है टिड्डियों के रूप में, हम उसको समझ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ जो उससे लड़ने के साधन है उनको हम नहीं समझ पा रहे और एक हैफजर्ड वे में कंट्रोल, मॉनिटरिंग
और रेमेडी, तीनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी है जिसके कारण ये सिचुएशन फैलती जा रही है। और ये बहुत चिंता की बात है कि जहां बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, हम वहां इसको डिवाइड कर रहे हैं स्टेट में, वहां हम उसको डिवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। हम ये नहीं कह रहे कि एक जगह से ये उड़ के जब दूसरी जगह जाएगा तो वहीं इसको कैसे कंटेन किया जाए, जैसे हमने कोरोना में लॉकडाउन किया था, क्या किसी तरह हम टिड्डियों को लॉकडाउन कर सकते हैं ताकि वो आतंक ना फैले? क्योंकि जितना ही आगे बढ़ेंगी इनका क्षेत्रफल बढ़ेगा, इनके अंडे फैलते जाएंगे और ये महामारी और बढ़ती जाएगी। तो हमें बहुत अलग ढंग से सोचना होगा, ये नॉर्मल बीमारी नहीं है खेतों में, ये नॉर्मल इंसेक्ट नहीं है जो खेतों में होता है, ये एक बहुत विचित्र चैलेंज है और हम अभी तक इसको समझ नहीं पाए। हम अभी भी रेंडम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाएगा, जब हकीकत हमारे सामने है कि ये फैलता जा रहा है। तो मुझे लगता है इस पे एक नेशनल प्लान की जरूरत है, जो पेस्टिसाइड एक्सपर्ट्स है उनको लिया जाए। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक लॉबी है, मैं उनसे कहूंगा आज वो कहाँ चले गए, सारे ऑर्गेनिक वाले जो कहते थे पेस्टिसाइड खराब है, वो अपने तरीके से कंट्रोल करें ना टिड्डियों को। तो हम लोग कभी इमोशन में आके विज्ञान को भूल जाते हैं और उसका खामियाजा हमारे सामने। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए एक बड़े प्लान की जरूरत है। अब चलते हैं पुखराज चोपड़ा के पास, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बीकानेर के रास्ते से कई बार इन टिड्डियों का प्रवेश होता है देश में। पुखराज चोपड़ा ने अपने आंखों से देखा है टिड्डियों के आतंक को, वो अपनी कुछ अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव हमसे साझा करेंगे। पुखराज जी, क्या कुछ देखा है आपने टिड्डियों के आतंक को, कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, क्या तरीका होता है इसका डैमेज करने का? जी देखिए, इसका 10-10 किलोमीटर का झुंड आता है, आसमान से सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है और ये जहां बैठती है हरी चीजों पे बैठती है और जिस हरी चीज पे बैठ जाएगी उसको खोखला करके छोड़ देगी, वहां साफ पत्ते नहीं दिखेंगे, फ्रूट फल कुछ भी है वो नहीं दिखेंगे, खाली तन्ना रह जाएगा पेड़ का, या नीचे फसल उगी हुई है तो वो एकदम साफ हो जाएगी। वो जिस क्षेत्र में बैठती है वहां पे सब साफ, फिर वहां से उड़ती है फिर दूसरे क्षेत्र में बैठती है वहां सब साफ। कल बीकानेर से लेके डूंगरगढ़ तक 70 किलोमीटर तक क्षेत्र में पूरी शाम तक टिड्डियों ने आतंक मचाया है और वहां जहां बैठी है वहां पे पेड़ पौधे तने सब साफ, और जो मूंगफली और कपास की जो पीछे पुरानी बिजाई है यानी जो सबसे पहले बिजाई हुई थी उनके पत्तों को चट कर गई। अब यह हजारों हेक्टर में इसने नुकसान किया है। अब यहाँ पे टिड्डी दल स्थापित किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि टिड्डी अभी आई है या 20 साल पहले आई है। 1960-62 में जो टिड्डी का प्रकोप हुआ था राजस्थान में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में वो सबसे बड़ा प्रकोप था, जब आपको घंटों घंटों तक आपको सूरज दिखाई नहीं देता था, टिड्डियों की इतनी बड़ी भरमार रहती थी। उसके बाद टिड्डी नियंत्रण दल विकसित किए गए, पिछले साल टिड्डी आई, इस साल भी 6 महीने पहले टिड्डी आई। और जैसा कि मैंने आज अब पढ़ा है कि कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि राज्यों से बात की है और उनको कहा है कि हम हर संभव मदद देंगे, ब्रिटेन से नए स्प्रेयर मंगाए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो इतने दिन टिड्डी नियंत्रण कक्ष बैठे रहे, राजस्थान में काफी जगह टिड्डी नियंत्रण कक्ष है, ये अजीब बात है कि जब ये फैल गई और राजस्थान से बाहर निकल गई, ये मध्य प्रदेश गुजरात पंजाब और यहाँ की महाराष्ट्र तक पहुंच गई है, तब इसमें चेतना आई है कि इसको संभाला जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 9 की मल्टीप्लाई में पैदा होती है, एक टिड्डी 27 बच्चे देती है, 9, 9 और 9 मतलब लगातार, और ये फाके जल्दी बड़े हो जाते हैं और जैसे ही बड़े हो जाते हैं ये टिड्डियां चट करना शुरू कर जाती है। मृत्युंजय जी, ये विकराल समस्या है। ठीक है, ये आपने कहा कि एक विकराल समस्या है और इसके जो इसका जो डैमेज करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पैमाने पर ये नुकसान कर सकता है। झुंड में चलता है, जहां बैठता है वो आसपास की हरियाली को खत्म कर देता है पूरी तरह से, यानी अगर अनाज के खेत में अगर बैठ गया तो पूरा अनाज चौपट, फल सब्जियों पर बैठ गया पूरी फल सब्जियां चौपट, पेड़ पर बैठ गया पेड़ की हरियाली खत्म, इतना बड़ा इसका इंटेंसिव इंपैक्ट होता है डैमेज को लेकर के। अब मैं राजेश अग्रवाल जी आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आपकी एग्रो केमिकल कंपनी है, क्या हमारे पास अभी देश में पर्याप्त मात्रा में ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो जिसके जरिए हम इन टिड्डियों से लड़ सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जब पिछली बार ये आतंक आया था पिछले साल, तब सरकार ने, किसानों ने और एग्रीकल्चर कंपनियों ने सबने मिलकर मेहनत की थी
क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ये टिड्डी दल जब भी एक जगह बैठता है तो बहुत भारी नुकसान करता है और किसान उसको भगाने की कोशिश करता है। जब ये रात में अपने रेस्टिंग मोड में आता है तब आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कहाँ बैठा है, क्योंकि ये दिन में 150 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, तो ये एक जगह से दूसरे का बहुत दूर पहुंच जाता है और इसको वहीं पर ट्रैप करके मारना होता है। अगर अपने पास से उड़ा देंगे तो शायद किसान कुछ हद तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन बाकी जगह पर वह फैल जाएगा। ये मैं अपने करियर में पहली बार सुन रहा हूँ कि राजस्थान से बाहर इतने बड़े पैमाने पर टिड्डियों का अटैक सारे देश में फैलता जा रहा है और अब ये बड़ी समस्या बनकर पूरे देश में आता जा रहा है, क्योंकि ना ही सिर्फ खेतों में, जंगलों में या गार्डन्स में बल्कि रिहायशी इलाकों में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल पर उड़ता है हवा के अंदर, तो ये आपकी ड्राइविंग में भी समस्या पैदा कर सकता है। और ऐसा ही नहीं केवल हाई राइज एरिया में तकलीफ करेगा, ये आपके बंगलोर में या फ्लैट्स के अंदर भी परेशानी पैदा कर सकता है और बहुत हद तक क्योटिक हो सकता है। जहां तक दवाइयों का सवाल है, दवाइयां अवेलेबल हैं। हाँ, ये हमारी विडंबना है कि सरकार ने 27 दवाइयों के प्रति अपना अभी एक बैन करने के निर्देश जारी किए, जो कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, और जितने भी सॉल्यूशंस आज टिड्डी के लिए हैं उनमें से मैक्सिमम इन 27 में कवर्ड हैं। हालांकि इन 27 में हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स तीनों का ही सम्मिलित हैं, लेकिन आज अगर इतने बड़े हमें अटैक को कंट्रोल करना है तो इन दवाओं की जरूरत है। आज हमारे देश में ये पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि इंडिया इन सब दवाइयों का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो कि ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हमारे देश से मार्केट की जाती है, वहां पर जाती है। तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री आज इक्विप्ड है हेल्प करने के लिए, और सरकार के साथ जहां भी जरूरत होगी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े होंगे। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि बड़े पैमाने पे इनको स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर ट्रैक्टर स्प्रेस की जरूरत पड़ेगी, और मैं सुन रहा हूं कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी बात गवर्नमेंट कर रही है। हालांकि हिंदुस्तान में बहुत सालों से ऐसे एरियल स्प्रेस नहीं हुए हैं, रुके हुए थे, लेकिन अगर कोई परमिशन होकर कुछ काम होता है तो इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अटैक है। क्योंकि ये जो मच्छर है, एक नॉर्मल छोटे मच्छर से या हॉपर जो हम देखते हैं जल्दी जो बरसातों के बाद हमारी लाइटों पर आता है, उससे कई गुना बड़ा मच्छर है और बहुत ज्यादा ये आतंक मचाता है, बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। ओके, ठीक है। तो आप ये बता रहे हैं कि हम सक्षम हैं इससे लड़ने के लिए, जरूरत है कि बड़े स्तर पर प्रयास किया जाए। आपने कहा कि ड्रोन से भी छिड़काव होने चाहिए, हेलीकॉप्टर के जरिए छिड़काव होने चाहिए, ठीक बात है। आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सरदाना जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, एक एक राहत की बात यह है कि टिड्डियों का हमला उस वक्त हुआ है जब रवी की फसलें कट चुकी हैं, यानी खेतों में अभी कोई बड़ी क्रॉप नहीं है, गेहूं, चना, सरसों जैसी, जिसको कि टिड्डियों से नुकसान पहुंचे। हाँ, लेकिन फल सब्जियों को नुकसान हो रहा है, रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है तो वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। अब चूंकि जून जुलाई का महीना खरीफ फसलों की बुआई के लिए बहुत अहम माना जाता है, खरीफ की बुआई होती है बड़े पैमाने पर, क्या आपको लगता है कि इन टिड्डियों से जब खरीफ की सोइंग शुरू ही होगी तब भी खतरा होगा, या आपको लगता है कि बुआई के वक्त कोई खतरा नहीं होगा, जब क्रॉप मैच्योर होगा तब खतरा बढ़ेगा? देखिए मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा सवाल है। हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम की बात, जो टिड्डियां है ये बायोलॉजिकल, ये अंडे भी देती है, और उन अंडों से जो निकलेगा कीड़ा, जो टिड्डी निकलेगी वो फिर अपना काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर बुआई हो गई तो ये रुक जाएंगी या फसल कट गई तो रुक जाएंगी। अगर ये टिड्डियां जिंदा रही, ये अपनी लाइफ टाइम में अंडे देती रहेंगी। जब ये अंडे देती रहेंगी तो रीजनरेशन होगा बीमारी का, इस प्रॉब्लम का। तो अभी अगर हमें ये लग रहा है कि किसी क्षेत्र में शांति है, हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये कोविड से हम सीख सकते हैं, जैसे कोविड में हम ट्रैक कर रहे हैं कि कहां पे बीमारियां फैल रही है, वही चीज आपको टिड्डियों पे मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। जिस क्षेत्र में हमने छिड़काव करके टिड्डियों को मार दिया, ऐसा नहीं है कि वहां दोबारा नहीं आएंगी। हो सकता है कि किसी पैच में उन्होंने अंडे दिए हुए हो और अगले 7 दिन में 10 दिन में वो अंडे हैच करके कीड़े बने और फिर वो वहां से उड़ने लगे, ये हो सकता है। हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे कोविड में हमारे सामने चैलेंज है ह्यूमन लाइफ को लेके, ऐसे प्लांट लाइफ और प्लांट हेल्थ को लेके टिड्डियों का चैलेंज है। तो दोनों को उसी फिलॉसफी से समझना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने स्प्रे कर दिया मर गए। जैसे मंत्री जी भी कह रहे थे 60% हमने कंट्रोल कर दिए, मेरे को 60% में दर्द नहीं है, मेरा चैलेंज है 40% का क्या होगा, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, वो अंडे देंगे, 7 दिन बाद फिर उसमें उनकी आबादी जुड़ जाएगी, वो जो मारे गए थे उसके ज्यादा 100% और पैदा हो जाएंगे।
तो कहने का मतलब है कि हमें इसको एक बायोलॉजिकल थ्रेट के रूप में देखना चाहिए, और हर स्टेट को जिस जिस रास्ते से ये निकले हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एरिया में किसानों को, आपके जो फील्ड फोर्सेस हैं उनको ये कहना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको हलचल दिखती है कि छोटे छोटे प्यूपा पैदा हो गए, बच्चे पैदा हो गए, तुरंत वही स्प्रे करिए, उसके लिए परमिशन का इंतजार मत करिए, जब तक परमिशन आएगी तब तक ये बड़े होके उड़ जाएंगे, फिर आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, स्टैंडिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए, ताकि हम इसको तुरंत कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, और ये टिड्डियां क्यों खतरनाक हैं, जो बात अभी सरदाना जी ने कही कि इसका पूर्ण सफाया क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने 60% 70% कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो 30% बचेगा वो फिर तेजी से अंडे पैदा करेगा, उसके बाद खतरा और बढ़ जाएगा। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि एक मादा टिड्डी 100 से 150 अंडे एक बार में देती है, 100 से 150 अंडे एक बार में देती है, और 3 से 5 महीने के जीवन काल में कम 3 बार अंडे देती है। तो इसीलिए इसको इसका पूरी तरह से सफाया जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी ये बच जाएगा तो उसको मल्टीपल तरीके से फिर वो आगे बढ़ेगा, जिसका नुकसान हमें आगे और देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खेतों के साथ साथ फसलों के साथ साथ ये रिहायशी इलाकों में भी कुछ बड़ी तबाही मचा सकता है क्या, रिहायशी इलाकों में पहुंचने से कितना ज्यादा खतरा होगा, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है, हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। पुखराज जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि जहां टिड्डियां बैठती हैं अगल बगल की हरियाली खत्म हो जाती है, तो मान लीजिए अगर किसी खेत में ये टिड्डियों का दल बैठता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी उत्सुकता इस बात में है जानने की कि क्या पूरी क्रॉप खत्म हो जाती है या डैमेज होता है कुछ पर्सन, जैसे मान लीजिए 100% की जगह 40% ही होगा प्रोडक्शन या 30% होगा, ऐसा होता है या पूरी क्रॉप खत्म हो जाती है, क्या होता है? पूरी क्रॉप चौपट हो जाती है, कुछ नहीं बचता जमीन पे, आपको जमीन के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि कोई उसके अंदर घास फूस भी फसल के साथ उगी हुई होगी तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, मतलब ये जहां बैठेगी वहां पे हरी हरी चीज तो किसी को छोड़ेगी नहीं। और जहां तक जैसे पेड़ है, पेड़ पे ये बैठ गई तो पेड़ का तना बचा हुआ रहेगा, पेड़ में पत्तियां हरी निकली हुई है तो वो नहीं बचेगी, कोई फल फूल लगा हुआ तो वो नहीं बचेगा, सिर्फ खोखला तना रह जाएगा, मतलब ये इस तरह से नुकसान पहुंचाती है मृत्युंजय जी, वक्त में डैमेज करता है ये। पुखराजी, ये टिड्डियों का दल कितने वक्त में पूरी खेत को डैमेज कर सकता है, किसी पेड़ को डैमेज कर सकता है, कितनी देर बैठेगा जिससे कि पूरा डैमेज हो जाएगा? 10-15 मिनट में ये पूरा खत्म कर देता है, जहां अच्छा? बैठता है, हाँ जहां बैठता है वहां टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में बैठती है एक साथ में। और मृत्युंजय जी एक बात बता दूं कि अब तक जो साधन दिए जा रहे हैं ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप बर्तन बजाइए, बैंड बजाइए, आवाज कीजिए जोर से ताकि टिड्डी आपके खेत से उड़ जाए, पर ये हल नहीं है, वो फिर अगले खेत में जाके बैठ जाएगी। तो ये जो इसका नुकसान पहुंचाने का रास्ता है ना, अब ये इसमें गंभीरता इसके तब आई है जब ये राजस्थान से निकल के दूसरे राज्यों में चली गई है। राजस्थान तो लगभग हर साल कुछ ना कुछ प्रकोप होता है, इस साल बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है जी मृत्युंजय जी। आप कह रहे हैं कि इस साल बहुत ज्यादा प्रकोप है और समूल नाश करना जरूरी है टिड्डियों का। अब अग्रवाल साहब, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमने छिड़काव की बात की ड्रोन से हेलीकॉप्टर की खेतों तक तो ये ठीक है, लेकिन अब जो रिहायशी इलाकों में ये पहुंच रहा है, जयपुर से तस्वीरें ऐसी आई हैं, दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है, तो रिहायशी इलाकों में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, पहला सवाल। दूसरा ये कि रिहायशी इलाकों में क्या किस तरह की तबाही ये मचा सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट इसका? देखिए, अगर ये हमारे ग्रीन्स खा जाएगा, मेरे घर के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं या जो गमले हैं उनमें सारी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी तो बहुत भारी नुकसान है। और जब ये नीचे आकर बैठेंगे तो बैठेंगे सब जगह, चाहे मेरी घास है चाहे वो ग्रीन नहीं भी है, अगर बैठे घर में तो सब जगह पूरी जगह घेर लेंगे तो देखने में बहुत खराब लगेगा। और अगर वहां पर ट्रैफिक चल रहा है
तो ट्रैफिक में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजकल गाड़ियों में तो एसी है, लेकिन टू व्हीलर में लोग चल नहीं पाएंगे या गाड़ी का शीशा खोल के तो बिल्कुल भी चलना सोच नहीं सकते, और हो सकता है एयर कंडीशन व्हीकल को भी आपको रोक कर वहां पर इंतजार करना पड़े झूंड के निकल जाने का, तो ऐसी नौबत आ सकती है। कंट्रोल का जहां तक सवाल है, स्प्रे जहां पर भी ये बैठेगा वहीं पर इसको मारना पड़ेगा। अगर नहीं मारेंगे तो जहां इसको जगह मिलेगी वहां अंडे दे देगा। जनरली ये जमीन के अंदर अंडे देता है, लेकिन जहां भी इसको कच्ची भूमि मिलेगी वहीं अंडे दे देगा और दोबारा से वहां पर पॉपुलेशन आएगी, तो मारना तो पड़ेगा। अभी राजस्थान में जब इसको मारते हैं तो जंगलों में जाना पड़ता है ट्रैक्टर्स को लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉलीज को लेकर, और वहां पर जंगलों में स्प्रे करने पड़ते हैं। रेगिस्तान में जहां पर थोड़ा सा भी ग्रीन होता है, कुछ भी पत्ते होते हैं, ये उसको खा जाता है। तो रिहायशी इलाकों में देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग जैसे अगर हमारा छोटा सा गार्डन है और उसके अंदर प्रिकॉशनल स्प्रे करना चाहते हैं तो डस्ट फॉर्मुलेशन होते हैं, क्लोरपाइरीफॉस की डस्ट फॉर्मुलेशन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको छिड़क के छोड़ सकते हैं। कुछ देर तक का वो कंट्रोल दे सकता है कि टिड्डी आएगी तो वहां उसकी बदबू से बैठेगी नहीं या उसको खाने की कोशिश नहीं करेगी फसल। ठीक है, अब सरदाना जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार की क्या तैयारी है, ये कुछ जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और फिर आपका रिएक्शन जानूंगा कि क्या ये तैयारी पर्याप्त है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से स्प्रेयर्स मंगाए जाएंगे, ब्रिटेन से कुल 60 स्प्रेयर्स मंगवाने की योजना है, छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पीड़ित राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और 16 राज्यों को अलर्ट भी जारी किया गया है, हरियाणा के 7 जिलों में हाई अलर्ट है। क्या आपको लगता है कि ड्रोन से छिड़काव, हेलीकॉप्टर के जरिए छिड़काव और जो स्प्रेयर्स मंगाने की बात हो रही है ब्रिटेन से, ये पुख्ता इंतजाम है इसको काबू में करने के लिए, इस डैमेज को रोकने के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक मूविंग टारगेट पे काम, ये एक जगह नहीं बैठी है, ये मूविंग टारगेट। सबसे पहले तो सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए मॉनिटरिंग का कि कौन किधर किस डायरेक्शन में टिड्डी दल जा रहा है। उसमें दो रास्ते आएंगे, एक तो आएगा खेत और दूसरे आएंगे रिहायशी इलाके। जब आप हेलीकॉप्टर से छिड़काव करेंगे तो आप लोगों को भी छिड़काव करें तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटरिंग। आपको वो लोकेशंस पहले से एडवांस प्लानिंग करना होगा कि अगर टिड्डी दल इस रास्ते से निकल रहा है तो जैसे ही वो वहां से निकलेगा हम इस तरह से छिड़काव करेंगे। आपको प्रोएक्टिव सोचना पड़ेगा, आप रिएक्टिव नहीं हो सकते हैं। टिड्डियां आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा फास्ट है, वो एक दिन में 150 किलोमीटर जाती है। जब तक आप एक जिले के सिस्टम में मीटिंग बुला के कार्रवाई करोगे वो दूसरे जिले में पहुंच जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें पीसमिल अप्रोच नहीं हो सकता, आपको एडवांस प्लानिंग करना होगा। सारे जिले जो रास्ते में, आपको एंटिसिपेट करना होगा कि मूवमेंट कैसे कैसे रहेगा, उनके आसपास के एडमिनिस्ट्रेशन को एडवांस में आपको ऑथराइज करना होगा कि क्या क्या कार्रवाई करनी है, वहां परमिशन की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो खेतों के ऊपर से जाए, रात का समय हो, तुरंत जो कार्रवाई करनी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करे। लेकिन जब वो रिहायशी इलाकों में होंगी तब आप स्प्रे नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग भी वहां रहते हैं। जो पेस्टिसाइड इनके लिए नुकसानदायक है वो आदमी की हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होगा, वो आपके घरों पे, पानी में, सब जगह सब्जियों पे फैलेगा, तो बहुत केयरफुल काम करना है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस समय सरकार और प्राइवेट के बीच में भेद नहीं करना है, आपको ऐसे टीम बनानी पड़ेगी, हर एक का एक्सपर्टाइज यूज करना पड़ेगा, फार्मर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। आप एक इनविजिबल घोस्ट को ट्रैक कर रहे हो एक हिसाब से, वो सब तरफ फैल रहा है धुएं की तरह, तो बहुत अलग सोच चाहिए, ये कन्वेंशनल वे से काम नहीं होगा। और तीसरा मेरा कहना यह है कि आप जब तक पंप मंगाएंगे तब तक इनकी आबादी 20 गुना बढ़ चुकी होगी, तो क्या 60 पंप काबू होंगे? तो कहने का मतलब है जो साधन अभी आपके पास है आप उसमें शुरू हो जाइए, जब आएंगे उनका इस्तेमाल कैसे करना है, फायर ब्रिगेड आएगी तब देखेंगे, आज तो अगर बाल्टी से भी आग बुझानी है तो बुझाइए। कहने का मतलब ये है कि आप मशीन का इंतजार नहीं कर सकते, आप प्लानिंग नहीं कर सकते, ऑलरेडी यू आर ऑन फायर। आपको अभी बैठ के, जिन लोगों ने राजस्थान में एक्सपीरियंस लिया है, जैसा चोपड़ा साहब भी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं छोटा सा अनुभव, कि आप ये समझिए कि हर टिड्डी के हाथ में एक आरी है जो जहां बैठेगी उसको काट देगी। तो ये सब हथियार लेके चल रही है छोटी छोटी टिड्डियां, इनके जो दांत हैं ये आरियों की तरह हैं, ये खाती कम है, डिस्ट्रॉय ज्यादा करती हैं। तो जिस पेड़ पे बैठेंगी उसका तना काट देंगी तो ऊपर का पूरा वेजिटेशन गिर के नीचे आ जाएगा। तो ये सिर्फ काटती हुई जाती है, इट इज लाइक ए रेजर ब्लेड थ्रू आउट द कंट्री। आप उसको कंट्रोल करना है, आपका टाइम नहीं है जी, आपको ये सोचना पड़ेगा। और
जो आपके टेक्नोलॉजी आएगी वो आती रहेगी, अभी मॉनिटरिंग करिए और एक टीम बनाइए ताकि तुरंत आती रहेगी, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके आधार पर आपको तुरंत कार्रवाई शुरू करनी होगी और तभी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सरदाना साहब आपका, राजेश अग्रवाल जी आपका और पुखरा चोपड़ा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि टिड्डियों के आतंक को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।